शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। तुष्टिकरण की राजनीति के कारण अब उनको उल्टा घूमना पड़ता है। पूरी देश में कर्नाटक का नाम बेंगलोर के आईटी पावर से नहीं आजकल जाना जाता, लेकिन 40% कमीशन लेने वाली सरकार के नाम से नजर आता है। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिवकुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? प्रियंका गांधी जी बता दें, उनका लगातार आपने देखा कि बयान आया, बार बार वो बीजेपी पर इस बजरंगबली वाले मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए कह रही है। वो तो बजरंगबली पर निशाना साधेंगी ही, इसलिए तो मैंने कहा श्रीमती वाड्रा बजरंगबली पे, राम प्रभु पे क्यों नहीं साधेंगे निशाना? उनको कब ये आस्था का दृश्य मंजूर था? जो सिर्फ चुनाव के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे थे उनको आज स्पष्टीकरण देना पड़ा और पड़ेगा कि आप बताएं कि आपका कौन सा दृश्य सही है जनता के सामने। सड़क पर नमाज अता करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है कि आप बजरंगबली का नाम से परहेज करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है कि डीके शिवकुमार वाला नेतृत्व सही है कि वो मंदिर बनाएंगे? इन तीनों में से सही चित्र और चरित्र क्या है? कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कभी गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, कभी जहरीला सांप कहते हैं, कभी कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी राम भगवान को काल्पनिक बताते हैं, तो कभी बजरंगबली के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। लेकिन जब जब इन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, जब जब मोदी जी को अपमानित किया अपशब्द कहे मुंह की खानी पड़ी, जनता ने जवाब दिया है और अब बजरंग बली के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करते उनको अपमानित करने का काम करते हैं और कांग्रेस की ये सोच हिंदू विरोधी कैसे है वो भी दिखती है और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण अब उनको उल्टा घूमना पड़ता है। तभी तो राहुल गांधी कई बार जनेऊ पहनकर आते हैं लेकिन चुनावों में ही नजर आते हैं, कभी मंदिर जाते हैं हाथ जोड़ के लेकिन चुनावों में ही नजर आते हैं, वो आस्था अंदर से नजर नहीं आती। ये तो चुनावों की घबराहट, बौखलाहट और जुबान की लड़खड़ाहट, इन सब में लगता है कि कांग्रेस मान चुकी है कि कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को बाहर करना है, तो अब कहती है बजरंगबली जी के मंदिर बनाएगी। अब जय बजरंगबली पे आ गए, कल तक बजरंग बली जी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। मैंने तो ये फैक्ट्स आगे रखे थे, ये फैक्ट है कि 94 के असेंबली इलेक्शन के बाद 99, 2004, 2008, 13, 18 पिछले 6 असेंबली चुनाव में कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को अक्सर ही दिए, भाजपा से ज़्यादा वोट दिए, पॉपुलर वोट, लेकिन उसका ट्रांसलेशन सीटों में कभी होता है कभी नहीं होता, और अगर होता है तो सरकार चुरा ली जाती है जैसे 2018 में ऑपरेशन कमला करके चुरा ली गई। तो लोग तो दे रहे हैं कांग्रेस को सपोर्ट, अब की बार तो और भी ज़्यादा देंगे, लेकिन लोगों को क्या मिला है? 2018 की हमने सरकार बनाई, साल भर चलने दी, सरकार गिरा दी, और कौन लाए? बोमाई जी को लाए। क्यों लाए बोमाई जी को? उसी के बारे में आज हमने इश्तिहार दिया है कि क्या कर्नाटक में जो हालत चल रही है, जो पूरी देश में कर्नाटक का नाम बेंगलोर के आईटी पावर से नहीं आजकल जाना जाता, लेकिन 40% कमीशन लेने वाली सरकार के नाम से न जाना जाता, क्या ऐसी सरकार हम चलने देंगे? सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।